नमस्कार, माई सेल्फ डॉक्टर संजू सिंह। वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। आज मैं बात करने वाली हूँ यूटीआई या यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के बारे में। तो आज हम डिटेल में इसी के बारे में जानेंगे कि यह क्या होता है, इसमें क्या सिम्टम्स आते हैं, इसके कॉजेस क्या होते हैं, साथ में इसको डायग्नोज कैसे किया जाता है, और इसके लिए कुछ प्रिवेंटिव टिप्स बताऊंगी। साथ में बहुत ही इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगी, स्पेशली अगर आपको रिकरेंट यानी बार बार यूटीआई होता है तो उसके लिए बहुत ही इफेक्टिव होती है। तो ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा, तभी आप इसके बारे में पूरी तरीके से समझ पाएंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि हम यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन या यूटीआई के बारे में जाने, हम थोड़ा सा अपने यूरिनरी सिस्टम के बारे में जान लेते हैं। तो इसमें हमारी बेसिकली दो किडनीज होती हैं, हमारे ब्लड को फिल्टर करने का काम करती हैं, उसमें से जो वेस्ट होता है वो बाहर निकालती हैं, जो हमारे ब्लैडर में जाके स्टोर होता है। और किडनी से वेस्ट प्रोडक्ट को ब्लैडर तक ले जाने का काम करते हैं यूरेट्रा, और उस वेस्ट मटेरियल को ब्लैडर से बाहर निकालने के लिए यूरेथ्रा। तो ये हमारा पूरा एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है। अब अगर इस पूरे सिस्टम में आपको कहीं पर भी इन्फेक्शन हो जाता है तो उस कंडीशन को यूटीआई यानी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन कहते हैं। अब हम जानते हैं कि कौन से लोग होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है यूटीआई होने का। तो सबसे ज़्यादा रिस्क होता है फीमेल्स में। फीमेल्स में उनकी जो यूरेथ्रा का साइज़ होता है थोड़ा छोटा होता है मेल्स के मुकाबले, तो इसलिए उनको बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। साथ में वो लोग जो ज़्यादा टाइम तक यूरिन को होल्ड करके रखते हैं तो इससे बैक्टीरिया डेवलप होने लग जाते हैं। इसके अलावा जिन लोगों में किडनी स्टोन की प्रॉब्लम होती है तो उनमें भी यूटीआई बार बार होता है या होने के चांसेस रहते हैं। या फिर कुछ ऐसी कंडीशन जिनमें आपकी बॉडी की इम्यूनिटी लो हो गई हो, जैसे कि डायबिटीज मेलाइटिस हो गया या कोई और बीमारी हुई हो, इसके लिए आपने एंटीबायोटिक्स लिया हो, तो इन कंडीशंस में आपको यूटीआई डेवलप होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अब अगर हम कॉजेस की बात करें तो 95% केसेस में ई कोलाई नाम का बैक्टीरिया होता है यूटीआई कॉज करता है। इसके अलावा भी और बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं, जैसे स्टेफाइलोकोकस, क्लेब्सिला, तो ये सब भी यूटीआई कॉज करते हैं। अब इसमें आपको क्या साइंस एंड सिम्टम देखने को मिलेगा? आपको पेट में निचले हिस्से में दर्द रह सकता है, बार बार बाथरूम जाना पड़ सकता है, बाथरूम जो होता है वो रुक रुक के आता है या फिर बूंद बूंद करके आता है, ड्रॉप्स में आता है। में बाथरूम का जो कलर होता है वो भी चेंज हो सकता है, कुछ लोगों में ब्राउन, ग्रे या फिर ब्लड भी दिखाई दे सकता है यूरिन में। जनरली क्या होता है, यूरिन का कलर जो होता है एकदम क्लियर होता है। अगर किसी को इन्फेक्शन होता है तो फिर यूरिन जो होता है वो क्लाउडी दिखने लगता है, उसमें थोड़े थोड़े सेडिमेंट्स देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा फाउल स्मेल आ सकती है यूरिन से। इसके अलावा यूरिन के टाइम पे या उसके बाद में बहुत ज़्यादा आपको जलन लग सकती है। साथ में कुछ लोगों में जब ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाता है तो फीवर आ सकता है, ठंड लग सकती है। तो ये सब कुछ साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं। अब अगर ये साइंस एंड सिम्टम्स आते हैं तो इसके लिए आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपको क्या टेस्ट बताएंगे, इसको डायग्नोज कैसे करेंगे? तो इसके लिए दो टेस्ट होते हैं, एक यूरिन का रूटीन और माइक्रोस्कोपिक टेस्ट किया जाता है, दूसरा यूरिन कल्चर किया जाता है, जिससे पता चल सके कि कौन से बैक्टीरियाज इन्वॉल्व हैं। अब हम जानते हैं कि ये कितने टाइप्स का होता है। तो अगर आपको जो इन्फेक्शन है आपके यूरेथ्रा तक ही सीमित है, वहीं पर है, तो इस कंडीशन को यूरेथ्राइटिस बोलते हैं। इसमें क्या होता है, यूरिन के साथ पस आने लग जाता है, यूरिन का कलर चेंज होने लग जाता है। और अगर यही इन्फेक्शन आपको ब्लैडर तक हो गया है तो इस कंडीशन को सिस्टाइटिस बोलते हैं। इसमें आपको पेन रह सकता है लोअर एब्डोमेन में, बाथरूम के टाइम जलन लग सकती है, साथ में रुकावट हो सकती है बाथरूम में बूंद बूंद करके यूरिन आना। ज़्यादातर ये न्यूली मैरिड फीमेल्स में देखने को मिलता है, इसलिए इसको हनीमून सिस्टाइटिस भी बोलते हैं। थर्ड होता है पाइलोनेफ्राइटिस। अगर ये इन्फेक्शन आपको किडनीज तक हो गया है तो इस कंडीशन को पाइलोनेफ्राइटिस कहते हैं। इसमें आपको बैक में पेन हो सकता है, साथ में आपको फीवर आ सकता है, यूरिन में ब्लड आ सकता है और बहुत ज़्यादा ठंड लग सकती है। जानते हैं कि इसको मैनेज कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहला होता है कि आपको ध्यान रखना होता है कि आप पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीजिए, किसी भी फॉर्म में हो सकता है, वाटर लीजिए, छाछ लीजिए, नारियल पानी लीजिए, तो आप कम से कम 3 से 4 लीटर पानी जरूर पीजिए। इसके अलावा यूरिन होल्ड करके मत रखिए, क्योंकि अगर आप होल्ड करते हैं तो वहाँ पर बैक्टीरिया ज़्यादा ग्रो होते हैं। इसके अलावा इंटरकोर्स से पहले अपने प्राइवेट पार्ट को अच्छी तरीके से क्लीन कीजिए, और इंटरकोर्स के बाद आप ब्लैडर को अपने अच्छी तरीके से क्लीन कीजिए, इन्फेक्शन के स्प्रेड को बहुत हद तक रोकता है। इसके अलावा आप कॉटन के ही इनरवियर्स पहनिए, साथ में कोई सेंट स्प्रे या फिर सोप वगैरह मत यूज कीजिए अपने प्राइवेट पार्ट्स में। अब हम बात करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन की।
तो ये सारी कुछ प्रिवेंटिव टिप्स होते हैं जो इन्फेक्शन होने से रोकते हैं, या अगर आपको इन्फेक्शन हो गया है तो उसको बढ़ने से रोकते हैं, बहुत इफेक्टिव होते हैं यूटीआई के केसेस में। तो इसलिए अगर आपको रिकरेंट यूटीआई है, यानी कि आपको एक साल में 3 या इससे ज़्यादा बार यूटीआई होता है, तो उस कंडीशन को रिकरेंट यूटीआई कहते हैं। तो हमारी सबसे पहली मेडिसिन है कैंथेरिस 30 पोटेंसी में। कैंथेरिस में बर्निंग बहुत ज़्यादा पाई जाती है, बाथरूम से पहले भी, बाथरूम के टाइम भी और बाथरूम के बाद भी बहुत ज़्यादा जलन देखने को मिलती है। हमें कई बार ब्लड भी देखने को मिलता है यूरिन में, और स्कैंटी यूरिन होता है, बहुत थोड़ा थोड़ा करके पास होता है। तो ये कंडीशन है तो आप कैंथेरिस लीजिए, आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। दूसरी हमारी मेडिसिन है एपिस 30 पोटेंसी में। एपिस भी बहुत इफेक्टिव होती है उन केसेस में जहाँ पे बर्निंग बहुत होती है, ऐसा लगता है कि कोई चीज डंक मार रहा है, में सूजन भी अगर आ रही हो आपको, तो बहुत ही इफेक्टिव होगी एपिस। हमारी थर्ड मेडिसिन है स्टेफिसेग्रिया 30 पोटेंसी में। स्टेफिसेग्रिया बहुत इफेक्टिव होती है वहाँ पे जहाँ पे आप बाथरूम बार बार जाते हैं, ऐसा लगता है कि अभी ब्लैडर एकदम एम्प्टी नहीं हुआ, खाली नहीं हुआ है। साथ में बार बार आपको जाने पे पेन होता है, स्पेशली जब आप बाथरूम पूरा कर चुके होते हैं लास्ट पार्ट में आपको बहुत ज्यादा पेन लगता है। ये न्यूली मैरिड वीमेंस के लिए जिनमें हनीमून स्टेटस हो रखा होता है उनको बहुत ही ज्यादा अच्छा रिजल्ट देती है। हमारी फोर्थ मेडिसिन है पेट्रोसेलाइनम सैटिवम 30 पोटेंसी में। ये रिकरेंट यूटीआई के लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन होती है, अगर आपको बार बार हो रहा है, बहुत टाइम से ये दिक्कत आपको लगी हुई है, साथ में जब आप बाथरूम जाते हैं तो उसमें पस आपको दिखाई देता है, इस तरह की कंडीशन है, बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव यूरिन आता है, प्लस में स्मेल होती है, तो आप ये मेडिसिन लीजिए, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। हमारी फिफ्थ मेडिसिन है कॉलीबैसिलिनम 30 पोटेंसी में। बहुत इफेक्टिव होती है अगर आपका जो कल्चर है यूरिन का उसमें इकोलाई बैक्टीरिया आया है पॉजिटिव, उन कंडीशंस में आपको बहुत इफेक्टिव होती है। रिकरेंट यूटीआईज होते रहते हैं आपको, साथ में बाथरूम बार बार जाने की इच्छा होती है, एक टाइम पे बहुत थोड़ा सा अमाउंट में यूरिन आता है, ऐसा लगता है कि थोड़ी देर बाद अब दोबारा जाना पड़ेगा, और बर्निंग भी थोड़ी देखने को मिलती है बाथरूम के बाद, तो इस कंडीशन में आप ये मेडिसिन लीजिए, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैंने आपको बताया यूटीआई के बारे में, उसमें क्या साइंस एंड सिम्टम्स मिलते हैं, के प्रिवेंटिव टिप्स बताए, कितने टाइप्स का होता है, किन कारणों से होता है, साथ में उसके लिए मैंने बहुत ही इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन बताई हैं। अगर आपको या आपकी फैमिली में किसी को यूटीआई की प्रॉब्लम है तो आप ये मेडिसिन लीजिए, और इसके जो भी रिजल्ट होते हैं वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। या फिर अगर आपको यूटीआई की प्रॉब्लम है, आपने इसके लिए क्या ट्रीटमेंट लिया, कैसे इसको मैनेज किया, वो भी ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा और भी कौन से टॉपिक्स पे आप वीडियो चाहते हैं वो भी कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे जब मैं कोई नई वीडियो डालूंगी आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और भी टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। अब मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक स्टे हेल्दी स्टे एक्टिव। थैंक यू सो मच।